मूवीज बॉलीवुड की पीके, बट आल्सो मूवीज अनुष्का शर्मा वाली। हाँ, अनुष्का शर्मा और आमिर खान। इधर देखो चारों। नहीं, साइकिलें आना शुरू हो गई हैं। ट्रीज को इन्होंने इस तरह से काटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। हम लोग हैं इस वक्त जी एम्स्टरडैम से तकरीबन एक घंटा दूर, और आज हमारा ट्रिप जो है, वी आर प्लानिंग ईदर वी विल गो टू जर्मनी और विल गो टू बेल्जियम। सो वी आर ऑल सेट रेडी, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया एंड थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और आप लोगों को आज हम हॉलैंड से किसी दूसरी कंट्री जाएंगे। हॉलैंड छोटी सी कंट्री है और इसके जो एक साइड का डिस्टेंस है वो 2.5-3 hours है, और अगर आप साउथ टू नॉर्थ करें तो मे बी 6-7 hours। तो हमारा जो सफ़र होगा वो तकरीबन 2-3 hours का होगा, और उसके बाद हम वॉली सिटी एक्सप्लोर करेंगे, और रास्ते में भी कहीं ना कहीं रुकेंगे डेफिनेटली। तो साथ जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो लाइक किया है, इसका लाइक का बटन दबा दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर फॉलो करें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, वहाँ पे मेरे पेजेस हैं, और वहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं करता हूँ। सो चैनल से जुड़े रहें एंड विल टेक यू अराउंड। बेगम रेडी हो रही है जी। सो ये वो जगह हम जहाँ ठहरे हुए हैं मंसूर के यहाँ, और अब तैयारी है। ये देखें, ये लेट मी शो यू। हॉलैंड में और काफ़ी सारी यूरोप की जगहों पे इस तरह की छतें बनती हैं, ये स्ट्रॉस की छतें हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। सो मैं देखूंगा कि ये कहीं बन रही हो तो मैं इसको आपको दिखाऊं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये किस तरह बनाते हैं, कितना उसकी लेयर है, चौड़ी है, अबाउट अ फुट, एंड देन यू नो दे ट्रिम इट ऑन द एंड्स, इट लुक्स ब्यूटीफुल। और ये साथ वालों का गार्डन है, ह्यूज ट्रीज, 100-200 years ओल्ड, बड़े बड़े दरख्त हैं मंसूर के यहाँ भी और ये साथ वालों के यहाँ भी, पूरे एरिया में ही एक्चुअली, और बड़ा खूबसूरत सरसब्ज इलाका है ये। यहाँ से जो हमने की है अभी गाड़ी वॉश, क्योंकि कल की बहुत गंदी हुई थी, वो मिट्टी वाली जगह रुके थे हम, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जी इसकी वैक्यूमिंग, और वैक्यूम के बाद हम आगे चलेंगे। ये बेल्जियम का बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर ये बेल्जियम शुरू हो रहा है। हम हो रहे जी एंटर इस वक्त बेल्जियम में हॉलैंड से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बॉर्डर सिक्योरिटी या कोई चेक या कोई पासपोर्ट कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये EU का हिस्सा है। जब आप यूरोपियन यूनियन में एंटर होते हैं तो आपकी इमिग्रेशन एक मुल्क में होती है, और उसके बाद आप कहीं भी EU में चले जाएं तो आपको इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। हॉलैंड एक छोटा सा मुल्क है, और इसके बॉर्डर्स टच करते हैं एक तरफ बेल्जियम, दूसरी तरफ जर्मनी, और तीसरी तरफ नॉर्थ सी। हम लोगों ने जो जगह सेलेक्ट की है उसका नाम है ब्रूश। ये बेल्जियम का एक बहुत ही एंशंट और खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि जर्मन्स ने जब कब्ज़ा किया बेल्जियम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनका जो जनरल था उसने भी इस शहर को तबाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत थीं। सो यू कैन इमेजिन के द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन सेव्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिटी इन द वर्ल्ड वॉर। जहाँ हम ठहरे हुए हैं ये वहाँ से जगह है तकरीबन 2.5-3 hours, और रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, सड़कें बहुत साफ़ सुथरी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रास्ते में टाउन आ रहे हैं उनका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है, और वो इतनी अच्छी तरह से मेंटेन्ड हैं, उनकी बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत हैं कि आप सारा रास्ता एंजॉय करते हुए जाते हैं। हम पहुंच गए जी ब्रूश। अंदर जाके आपको डिटेल इंट्रो दूंगा, लेकिन ये बेल्जियम का एक शहर है, बड़ा खूबसूरत, साफ सुथरा। हम गाड़ी यहाँ पे लगाने लगे हैं चार्जिंग के लिए, क्योंकि 2-2.5-3 hours की ड्राइव करके आए हैं तो उसको चार्ज करना है, और अब यहाँ गाड़ी छोड़ के जाएंगे अंदर सिटी में, तो मैं आपको फिर आप जगह बताता हूँ, एंड आई विल आल्सो इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ थिंग्स जो यहाँ के फैक्ट्स हैं आपसे। तो जस्ट गो, विल गो देयर इन फ्यू मिनट्स। ये जी बाहर से कैनाल या रिवर गुजर रहा है और सिटी इसके अंदर है,
अब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं और दूर से तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, पास जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। साइकिलिंग यहाँ की बहुत बड़ी स्पोर्ट है, पूरे यूरोप में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा है, हर जगह साइकिल ट्रैक्स हैं और जो साइकिल ट्रैक्स हैं वो बड़े मेंटेन्ड हैं, बहुत खूबसूरत है, साइकिलें बहुत अच्छी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। ये देखें आपको सामने बच्चे को भी बिठाया हुआ है, कुत्तों को भी बिठाया होता है। साफ सुथरा शहर है ना, चर्चेस कितने खूबसूरत हैं। नहीं जी, हम आहिस्ता आहिस्ता अब सेंटर के नज़दीक आ रहे हैं तो यहाँ पे लोग नज़र आना शुरू हो गए हैं, टूरिस्ट नज़र आना शुरू हो गए हैं। बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं। वाओ, 500 टाइप्स ऑफ बियर्स। आप किसी भी यूरोपियन टाउन चले जाएं तो वहाँ पे कैनाल या रिवर ज़रूर गुजरते हैं और वहाँ पे हर टाउन में ये टूर्स होते हैं। Oh, it's the 5th of May today, it's a special day in Europe. It's Liberty Day. In 1945, Holland was freed from the Germans. Okay. So we're in Bruges, Belgium. Bruges is known for, it's a historical city, known for bonbons, marzipan. You can see it in the background, and Noga. Mm-hmm. And of course, Belgian waffles. So enjoy this visit. All right, let's go. ये यहाँ का फेमस कैथीड्रल अभी जाके देखेंगे। और अभी तक हम जहाँ जहाँ गए हैं सब जगह ये ट्रीज को इन्होंने इस तरह से काटा हुआ है कि टहनियाँ जो हैं वो सिर्फ ट्रीज की तरफ जाएं, कोई भी वर्टिकल बाहर नहीं निकली हुई। और अभी चूंकि अर्ली स्प्रिंग है तो ये ग्रीन हो रही हैं, अभी पूरी ग्रीन हुई नहीं, बट यानी कितनी खूबसूरत अभी भी लग रही हैं और जब ग्रीन हो जाएंगी तो और भी खूबसूरत लगेंगी। इसी एक ही चौक में 3-4-5 कैथीड्रल हैं और जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत और बहुत पुरानी हैं। एंड जो मेंटेनेंस हुई भी है इनकी, दैट इज इनक्रेडिबल। आसमान इतना खूबसूरत है, आज धूप निकली हुई है और यूरोप में इस तरह का दिन जो मिल जाए तो आप बड़े लकी होते हैं। This is a church of Our Lady Bruges and this is such a prestigious piece of art in right in the middle of the city. Ab hum city center ke nazdeek aa gaye hain to yahan pe dekhen thoda rush hai aur ye wo jagah hai jahan se boat tours shuru hote hain, uski line lagi hui hai right there. Aaj dhoop hai to ye dhoop mein boat tour bhi bada mushkil hoga. इस वक्त लगी है जी यहाँ पे संडे मार्केट और मैं और मंसूर और हमारी बेगमात आ गए हैं। हम लोग यहाँ एंटीक शॉपिंग कर रहे हैं, चाइना से बनी हुई एंटीक शॉपिंग। गहमा गहमी है, दोपहर हो गई है, खाने का टाइम है ना, रेस्टोरेंट्स पे बिजी हैं। हम लोग भी आपके रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, वहाँ पे कुछ खाना खाते हैं। ये भी अब देखो अभी टुंडमुंड है, ये ग्रीन हो जाएंगे लेकिन अभी चूंकि अर्ली स्प्रिंग है उनमें पत्ते नहीं आए हैं। देखिए रेस्टोरेंट्स आपको फुल नज़र आ रहे होंगे इस टाइम पे। पोके बोल और ये लिखा है जी हलाल है। बोल्स आ गए आपके लिए, हम बना देते हैं। इधर देखो चारों, बोल्स खाली हो गए, मेरा खाली हुआ है तो डेसी इधर चावल चाहिए। अब मेरे भी इतने से चावल। Another amazing choice by Mansoor and Nushin ji. खाने का मजा आ गया। इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ से एक साइकिल रैली गुजरनी है जो कि 11 यूरोपियन सिटी से गुजरते हुए आ रही है और उसने 3:30 यहाँ से गुजरना है, आधा घंटा है। So we'll be able to see it actually. जी बताएंगे कि ये कौन सी जगह है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी और यहाँ पे क्या क्या हुआ है इस सिटी में। जरूर, हम
काफी आए हुए हैं ब्रूश में। ब्रूश के एक मेन जो मेन प्लेस है जहाँ पे जो बड़ा कैथीड्रल है, कैथीड्रल के सामने बड़ी मूवीज की जो है यहाँ पे बनाई गई है। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज बॉलीवुड की पीके, बट ऑल्सो मूवीज अनुष्का शर्मा वाली है। हाँ, अनुष्का शर्मा और आमिर खान वाली है। यहाँ सामने इसकी उसकी शूटिंग हुई थी, सीस कैथीड्रल के सामने। Okay. But many more movies, Hollywood movies, Hollywood like In Bruges. And you need to Google them. Yeah, there are many movies. Yeah. So then it looks like this city is actually they allow movie makers to come here and make movies. और ये देखें, ये कैथीड्रल है और मैं आपको इसके इर्द-गिर्द दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये सिटी हॉल की बिल्डिंग है और ये 1400s में बनी और ये कितनी मिटेकुलसली मेंटेन्ड है। इसके बाद जो ये आपको टावर नजर आ रहा है इसको कहते हैं द बेल फोर्ट और ये 1200s में बनाया गया है और आज भी देखें शानदार तरीके से खड़ा हुआ है। इस पूरी जगह को बोलते हैं मार्केट स्क्वायर। इसके एक तरफ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कलरफुल बिल्डिंग्स हैं और दूसरी तरफ आपको वो टावर नज़र आ रहा है, एक तरफ सिटी हॉल है और इसके अलावा भी जितनी बिल्डिंग्स हैं वो बहुत पुरानी और बड़ी ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर में बनी हुई हैं। अभी हम साइकिल रैली देखने लिए यहाँ रुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस मार्केट स्क्वायर में भी कितनी साइकिलें हैं और यहाँ की जो साइकिलें हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी बाइसिकल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड बाइक्स बहुत पॉपुलर हैं और लोग कम्यूट के लिए बाइसिकल्स यूज़ करते हैं। ये वो एरिया है जो अभी मैं बता रहा था जो ब्लॉक किया उन्होंने बाइसिकल रैली के लिए। सो दे हैव टू कम प्रॉब्ली फ्रॉम दिस साइड एंड दे विल पास थ्रू द सिटी सेंटर हियर। साइकिलें आना शुरू हो गई हैं। अभी जी सारी सपोर्ट टीम गुजर रही है, कोई एक दो साइकिलिस्ट पीछे रह गए हैं गालिबन, बाकी सारे आगे चले गए हैं। It takes a long time from Canada to here. Yeah, I know. No, European tha, uske accent se lag raha hai. European tha. हम सेंटर ऑफ द टाउन से थोड़ा सा साइड पे आ गए हैं। आपको कैथीड्रल तो नज़र आ रहा होगा लेकिन आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट्स थोड़ी सी पीसफुल हैं। ऑल्दो ये भी जो घर और जो चर्चेज हैं दे आर वेरी ओल्ड बट मेंटेन्ड। जो इनकी स्ट्रीट्स हैं पूरी सिटी की मैंने देखा वो सारे कॉबल स्टोन है, जैसे ही आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। तो अभी तक जितनी भी हमने स्ट्रीट्स देखी हैं वो सारी की सारी इस कॉबलस्टोन है। सो लुक एट द हाउसेस, छोटे छोटे घर पुराने ज़माने के। ये पुराने ज़माने के लोग भी जा रहे हैं आगे, पुराने ज़माने के घर, पुराने ज़माने के लोग। तुम्हारे जा रहे हैं। ये उसी कैथीड्रल से हम दूर होते जा रहे हैं, वो हमने देखा था मूवी वाला। और ये दूसरा, अब हम उससे थोड़ा वॉक करके सिटी में दूर आए हैं। जो पुराना ज़माना था उसमें
चर्च की वजह से इनकी जो रिलीजन फैला या फतुहात हुई, तो जहाँ ये जाते थे पहले वहाँ चर्चेस बनाते थे। और ये जितनी यूरोपियन नेशंस हैं इन सब ने कहीं ना कहीं हुकूमत की है, कॉलोनाइज किया है, लेकिन ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा किया, लेकिन डच ने भी किया, फ्रेंच ने भी किया, स्पेनिश ने भी किया, ग्रीक ने भी किया, इन सब लोगों ने किया। सो ऑल्दो ये छोटे छोटे नेशन हैं, लेकिन इट इज़ सो अमेजिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड कि इन्होंने यहाँ से चंद लोग एज अ ट्रेडर कहीं जाएं और वहाँ जाके तो ये जंगें करें, कब्जा कर लें। एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग ऑल अलोंग द यूरोपियन हिस्ट्री। मैं आपको थोड़ी सी बेल्जियम की हिस्ट्री बताता हूँ। बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है। बेल्जियम मशहूर है जी अपनी मिडीवल टाउन्स की वजह से, खूबसूरती की वजह से, सब्ज़े की वजह से, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नेटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। यहाँ का कैपिटल है जी ब्रसल्स। और इस मुल्क में तीन जुबानें बोली जाती हैं। फ्रांस की तरफ इसमें फ्रेंच बोली जाती है, हॉलैंड की तरफ नॉर्थ साइड पे इसमें डच बोली जाती है, और जर्मनी की साइड पे इसमें जर्मन बोली जाती है। आप जब भी यूरोप आएँ यहाँ के कैफ़ेज़ या कॉफ़ी शॉप्स को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इनकी कॉफ़ी बड़ी ही गज़ब की होती है और इनके जो स्वीट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हम इस कॉफ़ी शॉप पे आए हैं कुछ खाने पीने के लिए, और ये इसकी बैक साइड पे जगह है जहाँ पे व्यूइंग एरिया बना हुआ है, और साथ में कैनाल गुजर रही है, क्योंकि ये जो ब्रूज शहर है ये बहुत मशहूर है अपने कैनाल्स की वजह से और अपने कॉबलस्टोन रोड्स की वजह से। द वॉक थ्रू दिस ब्यूटीफुल सिटी हैज़ बीन सच अ प्लेयर सो फार। वी आर हैप्पी दैट वी चोज दिस प्लेस। चलो गर्ल्स कैन डिग इन नाउ। इतने जबरदस्त घोड़े हैं, इतना शानदार घोड़ा और बग्गी है, बेहतरीन। वो एक और आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखें जी एक और घोड़ा आ गया। घोड़ा देखें कितना जबरदस्त है। ये जा रहा है जी स्कूल ट्रिप। आगे देखें वो टीचर जा रही है जिसने ऊपर से बाजू खड़ा किया हुआ है, और उसके पीछे सारे लोग जा रहे हैं। कॉफी का कप होते हैं यहाँ पे। और अब ये भी स्कूल ट्रिप है। ये देखिए वो बंदा आगे जा रहा है, उसने झंडा पकड़ा हुआ है और ये सारे उसको झंडे को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ होगी जी मौजे। हमारी गाड़ी भी यहाँ पे पार्क थी, यहाँ पे चार्ज भी हो गई है और हमें पार्किंग में लगानी भी नहीं पड़ी। वी आर बैक और अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे एक कोस्टल टाउन है नज़दीकी, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ सैर करते हैं। लेट्स गो। चलो जी इस खूबसूरत सफर को हम जारी रखेंगे जी अगली किस्त में। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।